है, हम आपको कुछ कह सकते हैं, हम आपको यही कह सकते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम आपसे वॉच किया करें, क्योंकि हम आपसे इतने ही कह सकते हैं, कुछ और तो नहीं। और इसमें जी तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक न्यू व्लॉग। आप देख सकते हैं हम किसके चैनल पे हैं, नंबर तारीख व्लॉग के चैनल। बताओ तारी, आज का कुछ इस तरह का व्लॉग है, हम आपको अपनी आज इस तरह की चीज बताने लगे हैं, ताई आप आगे बताएं। हाँ जी, वेलकम बैक। आज तो आप देख रहे हैं नवर तारीख ब्लॉग। तो आज की वीडियो, आज का ब्लॉग आपके साथ शेयर करें तो आप देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना, ईमान का मैं सारा बताऊंगी, ईमान क्या बनाता है, किस तरह काम करता है, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं ईमान के घर आई हूँ, ईमान का इंटरव्यू करना है, तो आपको दिखाती हूँ बताती हूँ। ईमान चले, तो अब जा रहे हैं ईमान के किचन में, क्या बनाएगा क्या आपके साथ शेयर करते हैं, दिखाती हूँ। छोटा सा है तो देखे कितने कितने ये काम करता है, बहुत टैलेंट इसमें। तो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ मैं। गाइस आप इधर आए, देखे हमने मैदा डाला, पहले नमक और घी डाला और ये मैदा देखें, इसको कर लिया, देख सकते हैं गाइस, इसको करके पानी पूनी डाल के तरह करते रहना है। तो बनाता है, उसकी हेल्प उसकी मामा करती है उसके साथ, तो ये दोनों हेल्प करते हैं, लेकिन कामरान भी करता है, लेकिन कामरान की ज्यादा हेल्प होती है। तो इनकी तीनों की मेहनत होती है, तो मेहनत एक साथ होकर करे तो तभी फल मिलता है। सीधा हम भी व्लॉग बनाते हैं, हम भी वीडियो बनाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप बहन भाइयों का साथ चाहिए। तो आज की वीडियो भी आपको दिखा रही हूँ, तो आपने सबने साथ देना। तो ये आटा गूंद रहे हैं, आगे आगे आपको दिखाएंगे क्या क्या बनाएंगे। ये देखें इधर आए पास आएगा, तो ये मैदा है, इसमें क्या क्या डाला है ईमान पास में बाद में बताओ, फिर बताओ। घी डाला है, घी इसमें डाला है और नमक और मैदा, मैदा इसको गूंदना है हमें। अब देख सकते हैं गूंद रहे हैं, ठीक है। तो कितनी देर के लिए रखना है इसको गूंद के? 10 मिनट तक। देखें देखें गाइस, देखें थोड़ा सा घी लगाया है, क्योंकि इसको घी के साथ भी गूंदना है, पानी के साथ ही नहीं गूंदना, बस घी के साथ भी गूंदना है इसको। इसको अच्छे तरीके से मुखिए लगानी है, देख सकते हैं गाइस आप। हाँ जी, तो जी मान मैं आपसे आज पूछना चाहती हूँ, ये जो आपने ये कारोबार घर में शुरू किया है, ये आपके दिल में क्या है, आपके जहन में क्या बातें आई जो आपने ऐसा सोचा तो घर में काम शुरू कर लिया। जाहिर आप पढ़ने भी जाते हो, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे पूछ लेती हूँ। मामा काम पे जाते थे, ठीक है, मामा ने बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, क्योंकि हमारे फादर हैं जो सी उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, इस वजह से मामा भी थके काम से आते थे। हमने सोचा मामा की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, पढ़ने भी तो जाते हैं ना हम, अब बाकी टाइम वेले ही रहते हैं 24 घंटे। हम इस तरह ही होता था, आते थे ट्यूशन से जाके, बारह कर दी इसमें बच जाएंगे, सही है। फिर हमने कहा काम ही कर लेते हैं मामा का, मामा ने फिर एक काम छोड़ दिया, हमने मामा के साथ डिस्कशन की, मामा ने कहा चलो कर लेते हैं। मामा को सब कुछ पहले से आता था, बनाना रोल समोसे वगैरह, तो फिर मामा, मैं देखता रहा मामा किस तरह बनाते हैं, फिर मैं देखता रहा तो मुझे आ गया। अगले दिन मैंने वैसे ही मामा को बना के दिखा दिया कि मामा इस तरह, मामा कहते हैं शाबाश इस तरह ही, ठीक है। मैंने अगले दिन करके दिखाया, मामा बहुत ज़्यादा खुश हुए। अगर मामा काम पे गई भी हूँ मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, तब थोड़ी सी ब्रेक लगाओ। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है घर में काम करना, बाहर जाना मैं दूसरों की बातें सुनी, लेकिन जो अपना काम अपना होता है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद कहती हूँ अपना काम शुरू करना चाहिए, तो लेकिन मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं खुद इनकी सपोर्ट करती हूँ, हेल्प करती हूँ, तो लेकिन आप लोगों ने भी करनी है ज़रूर। तो फिर आगे क्या गाइस, आप लोग ही हैं जो से हमारी सपोर्ट करने वाले हैं, आप लोगों से ही हमने उम्मीद लगाई है, आप लोग ही अब हमें ऊपर ले जा सकते हैं, आपकी आगे मर्जी है। हम आपको कुछ कह सकते हैं, हम आपको यही कह सकते हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हम आपसे वॉच किया करें, क्योंकि हम आपसे इतने ही कह सकते हैं, कुछ और तो नहीं। और इसमें आपके बड़े पैसे लगने हैं, बता दें आप, पैसे थोड़ी लगते हैं। आपसे इतना को रिक्वेस्ट की थी, आप अपनी पावर दिखाएं और आवाम को अपना प्यार दिखा दें।
तो हम इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग आपके सामने लाते रहेंगे, आप लोगों को खुश करते रहेंगे, आप हमें खुश करें, हम आपको खुश करेंगे। तो इसी तरह मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं इनकी बहुत सपोर्ट करती हूँ, तो मैं इसी तरह कहती हूँ ये बच्चे कामयाब हो। तो आप देख सकते हैं ये पढ़ते भी हैं, घर का भी आगे करते, अपने मामा के साथ हेल्प इतनी करवाते हैं, तो वाकई ये बड़े टेस्टी बड़े मज़ेदार बनाते हैं। तो बड़ा कारीगर ये हो गया है कि इतनी ये बड़ी दुकान ना डाल ले। तो मैं इसे कहती हूँ माँ ना आप बड़ी दुकान की दिन डाल लो। कहता हाँ क्यों, मैंने कहा जरूर आप कामयाब हो गए। तो आगे के क्या ही क्या वो भी आपको दिखाएंगे। चलो अच्छा जी, तो अभी मान गया और ताई भी किचन में और देख रहे हैं क्या काम हो रहा है और क्या नहीं, और साथ साथ आपको अब तफसील देने लगे हैं काम की। जी क्या तफसील है एक जी, तो अब चलते हैं किचन में, क्या सूरत हाल है मान। गाइस 10 मिनट आटा रख लिया, देख सकते हैं मैदा, अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। ठीक है हाँ जी, तो आटा हो गया, 10 मिनट के बाद आप पेड़े करेंगे तो आगे का आपको बताएंगे। तो ये टाइम काफ़ी हो गया, इनकी गैस भी चली जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए तो ये रात को ही ये काम करके सोते हैं, फिर सुबह का बाकी का सुबह तैयार करते हैं। तो सुबह का फिर सुबह का शेयर करेंगे आपके साथ। आप तो ये बना रहे हैं देख सकते हैं गाइस, इसके बाद आपने ना इस तरह इसको करना है, इसको बना के ना इस तरह करना है, इस तरह करके ना ठीक हो गया गाइस। इस तरह ये मैदे का आटा है, ठीक है, इस तरह के हमने तीन बनाने हैं, तीन पीस मतलब के तीन पेड़े कर लेने हैं, तीन ये देखिए, और साथ साथ ही हमने देखें रखा है पूरी ये वाला, देखें तो मान के लग रहा है जैसे देसी घी होता है, बाल्टा ही है। शान का घी है, शान का है। तो शान खुद नहीं आता वो फिल्मों में नजर आता है। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इसने दो रोटियां जो है ना जोड़ दी हैं, अब ये तीसरी भी जोड़ेंगे, अब तीसरी भी लगाएंगे। तो आपने देखना है आगे आगे कैसे बनाता है। देखे आपने ऑयल लगा के ना साइडों पे सही तरीके से लगाना कि खुलते वक्त ये मुश्किल ना हो आपको। तो साथ उसकी मामा कर रही है, ठीक हो गया गाइस। इसको हमने साइड इसकी अच्छे तरीके से करनी है कि ये जल्दी से खुल सके। अब हमने ये देखी इस साइड पे ज्यादा होना चाहिए मैदा, और इसका साथ लगाते हैं। हाँ ये देखे ये हो गया, इसके बाद हमने इसको इस तरह करके ना एक अच्छे तरीके से ना इस तरह कर देना है, और उसके बाद देखें बस आप देखते ही जाए, बोले ना कुछ है। वो कमेंट में आप अपनी राय, हाँ वो अपनी कमेंट में आपने बतानी है क्या इसकी कुछ आपको मुश्किल आए, कैसे आपने मैसेज करने, लाइक करने, सब्सक्राइब करना है। तो ये आप सब बहन बता सकते हैं कि आपको कुछ समझ ना आई हो, पूछ सकते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर समझाएंगे। तो आप देखे ईमान ने अपना सर वगैरह किस तरह कवर किया है, बड़े अच्छे तरीके से बनाता है। हाँ जी, साफ सफाई करके, साफ सफाई करके गाइस, साफ सफाई जरूरी है। तो इतना शुक्र है अभी गैस आ रही है, टाइम भी गैस का। अच्छा एक गल में नोट करन दे गाइस। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये उससे थोड़ा सा हो नहीं रहा था, तो अब उसकी मामा कर रही है, तो यही तो होता है एक दूसरे की सपोर्ट से। तो आप बताना है ये किस तरह ये पकाने गाइस, देख सकते हैं गैस कम ही रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी। हाँ जी बिल्कुल, देख सकते हैं गैस कम होगी तो रोटी इतनी वो ज्यादा पक नहीं जाएगी, जिस तरह रोटियां पक जाती है ना उस तरह ये पकेगी नहीं, हमने इसको कच्ची कच्ची उतारना है, कच्ची पकी रखना है। हाँ वही ना, आप उतारते वक्त भी दिखाएंगे और दिखाएंगे किस तरह इसकी पट्टियाँ बनाई जाती हैं, किस तरह इसको किया जाता है, वो आप व्लॉग में देखें। चलो गाइस देख सकते हैं इस तरह उतार लेनी है हमने, और ये देखें इस तरह उतर गरम गरम उतारनी है, ठंडी ना करके उतारने लग जाए ना, वरना वो रोटी पक जाएगी। इस तरह आप लोग की देख सकते हैं, हमने रोटी को पकने नहीं देना, इस तरह वापस इसको रख के
इस तरह करके, ये देखिए नाइफ, ये अब इसकी पट्टियां बना, आपको नाइफ नहीं दिखाएंगे वैसे कट करके दिखा देते हैं। ये होगी समोसे की पट्टियां, इस तरह करना है, ये इस तरह और ये इस तरह, इसके अंदर भर के इस तरह और ये इस तरह करके ना बंद कर देना है। वाह जबरदस्त, ये बन गया समोसा। जी जी, अब रोल का बनाना है। जी थोड़ा सा, हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है रोल बनाने का, पर हमारा अलग तरीका है ये समोसा पर। आपको समोसा और पर भी है साथ, जो उनसे हम सेल करते हैं। आइए देखें, इसको आप छुरी से भी कर सकते हैं। ये इधर इस एक कोना इधर का नाप लिया, सेंटर ये एक इधर का और इधर का लगाया, ये इधर का ये सेंटर है। अब हमने इसके बिल्कुल सेंटर, ये देख लो दो छुरियों के निशान, हमने इसका बिल्कुल सेंटर ले लिया और इसको इस तरह काट दिया। ठीक है, ये बन गए हमारे रोल के पीसेस। आप सोचेंगे किस तरह रोल बनाएंगे, इसके अंदर इतनी पीठी भरी, इसको इस तरह बंद किया, एक दो तीन और ये चार, बन गया रोल बन गया। चार स्टेप्स पे रोल भी रेडी हो जाएगा, आपका इतना काम होगा और आगे आपके रोल समोसे बन जाएंगे। ठीक है, और हमारा गाइस आप सोच रहे होंगे जो सा मैंने कटिंग की, क्योंकि गैस जाने लगी है, देख सकते हैं गाइस गैस कम आ रही है, हमारे इधर 10 बजे गैस चली जाती है। गाइस अब हम अंदर आ गए हैं काम कुम करके, हम आपको कल दिखाएंगे कि हमने अब पीठी भरने वक्त के भर के, अब हम आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। चार्ट वापस कर दिया, ताए बताए कल हमने लोग इधर ही छोड़ दिया था और आज वापस चार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास कल टाइम नहीं आया था इतना कि हम वापस रोल बना के दिखा सके। बस हमने कल पट्टी बना ली, देख सकते हैं पट्टी वगैरह बन गई है, सब कुछ हो गया है। हमने बस जो कल की वीडियो हमने स्टॉप कर दी थी, आज वीडियो हम भी स्टार्ट करेंगे। कल इसलिए हम वीडियो हमने छोड़ दी थी क्योंकि ये जो बना हुआ है ना, ये सारा ट्रिगर ये नहीं था, खत्म हुआ था, आज ताज़ा बनाया है और ये सब कुछ ताज़ा बनाया तो ताज़ा ही बनाएंगे। जब भी चीज़ बनाते हैं ये ताज़ी बनाते हैं, जब कोई ऑर्डर आता है वो ताज़ी ताज़ी फ्रेश बना के देते हैं, की मर्जी का। ये मेरा कजन चांद है, ये हमारा गाहक है, देख सकते हैं अभी अभी हमने बनाए हैं तो ये आया लेने। तो आप बताइए ना, इस वक्त ऑर्डर इसका आया है, इसकी मामा ने अभी इसको ताज़े ताज़े बना के दिए हैं। तकरीबन कितने लिए रोल? ये दो समोसे, दो रोल। हाँ जी, तो ये अभी अभी फ्रेश गाहक आया है, ताज़ा देखिए गर्म गर्म बना, बहुत अच्छे बने हैं। देखिए साथ केचप है, साथ वो है क्या, ये मेयोनीज है। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये सारी चीजें, ये देखिए आप, ये वेजिटेबल है और ये आलू वाला है। हम आपको पहले वेजिटेबल ये देखें, हमने ये किस तरह फोल्ड करेगा आपको दिखाना है। देखें इस तरह किया, ये देखें गाइस, इसको हमने इधर से इस तरह किया, इस तरह फिर हमने इधर अपनी पेस्ट, ये इसकी पेस्ट भी बनानी है, मैदा और पानी मिक्स करके पेस्ट बन जाएगी आपकी। सही तरीके से लगानी है कि ये बंद हो जाए, जब आप तले तो ये खुले ना, ये भी देखना है, देखते रहे आप। फिर आलू वाला भी इस तरह ही करना है हमने, देखें ये देखिए गाइस, अब वापस इधर वापस पेस्ट लगानी है आलू वाले के लिए भी। देखिए हो गया, अब समोसा साइड पर रखिए, आप समोसा बनाएं। हाँ ये देखिए, ये पट्टी एक्स्ट्रा ज़ाया नहीं जाती, ये देखिए हमने इसको इस तरह पकड़ा, इस तरह किया और वेजिटेबल इसके भरते रहे, जब ऊपर दिखा फुल हो गया मटेरियल, इसको इस तरह कर दिया, देखें गाइस। और इधर से ये जो सा आ गया भाई, कई लोग काट देते हैं, हम नहीं काटते, पर इसको इधर पेस्ट लगा के ना इस तरह बंद करके ना अंदर को ले जाते हैं इसको फोल्डिंग पीस, फिर समोसा बन गया। फिर हमने जिस तरह आलू वाला भी है उसको भी, ये पट्टी भी इस तरह ही है,
इसको भी हमने इस तरह करना है, इसको इस तरह करके पीठी बीच भर के करके इस तरह, ये पहले फोल्ड इधर हो गया इस तरह, फिर दूसरा ये, और जब करना है आप ये इस तरह हो गया, ये भी बंद हो गया। हमने इस तरह आपको करके दिखा दिए दो को, अब हम आपको बना के भी दिखाते हैं। चलो चलते हैं गाइस, बाय। आज अब फ्राई करेंगे, फ्राई करते हैं। आपको ये पहले दो करके दिखा दें, मैं बाकी आगे बना दूंगा। आ जाओ, लेट करते हैं। तो आप फ्राई करने लगे हैं, गाइस देखिए ये हो गए हैं। अब हम वेजिटेबल भी करते हैं अंदर, इसको हमने छान लेना अच्छे तरीके से, ऑयल निकल जाए, इसको फिर साइड पे ये रख दिया। फिर हमने एक है डाली है, ये भी गाइस देख सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं जौन सी हमने कल बचाया था, देख सकते हैं कटिंग हुई थी, ये देख सकते हैं हमने ज़्यादा ब्रीक ब्रीक नहीं, तो जो कटिंग होती है वो भी ज़ाया नहीं होती, वो भी इस्तेमाल में हो जाती है, तो बड़े मज़ेदार बड़े टेस्टी बनते हैं। मैं तो ज़्यादा इनसे यही लेके जाती हूँ, ये भी करके दिखाएंगे। गाइस देखें बन गई है पापड़ी हैं, ये ज़ाया नहीं आपके जाती, ये भी बन जाती हैं। ये सब्जी के हैं, ये आलू के हैं, और ये पापड़ी हैं, तो ये कुछ भी नहीं जाया जाता, सब चीज़ें इस्तेमाल में होती है। इसके साथ क्या लगा के खाना वो भी दो ना। आ जाओ ये देख, ये मेयोनीज है, और मसाला किधर है, मसाला भी दुकान, ये इसके ऊपर मसाला आप डालेंगे। मसाला डाल दिया, ये मैं आपको फिर बता दी, ये म्यूनीज है, कई लोग हमें समझते हैं ये म्यूनीज ने घर में बनाया। मैं आपको पैकेट भी दिखा सकता हूँ कि पैकेट में से निकाल के हम करते हैं, और ये केचप है और ये मसाला। अब आ जाओ ताई अंदर चलते हैं। हाँ जी गाइस, अभी कई चांद को और चाहिए, वो कहता अभी भी थोड़े हैं, लेकिन उसको बड़े मज़ेदार बड़े टेस्टी लगे हैं। किसी ने ऑर्डर और कर दिया है और उसने बनवाए हैं। जी गाइस देख सकते हैं हम अंदर ले आए हैं, अब खाने खा के चेक करें आप, ताई बताएं। हाँ जी, ये जो ये मुझे पकड़ा दें आप, खाएं ये माल मेरे लिए स्पेशल लेके आया है। वाकई मज़ेदार है। समोसा भी ताई चेक करें आप, देखिए गाइस भूखा एक लड़का भी आ गया है, भूखे मेरा फैन है, नहीं छोटा फैन, छोटी। अब दिल कर रहा बात बाद में करूं, तो पहले खा लूं ताई, पहले ये रोल खा, समोसा खा के तो बच्चे उनको मिलने के लिए। ये आप खा के बताएं गाइस को रोल समोसा किस तरह का है। जबरदस्त है, कमाल की चीज़ है, कमाल के हाथ में टेस्ट है, बहुत मज़ेदार, गर्मा गर्म। जब भी किसी ने ऑर्डर देना हो तो वो इसको ऑर्डर दे देते हैं, तो ये अपनी मामा के पास ऊपर भेज देते हैं, तो ताज़े ताज़ी चीज़ बना के देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी लगा है, कमाल की चीज़ है। हम आप यहीं पर व्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपनी दुआओं में याद रखना है, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, इसी तरह अच्छे अच्छे व्लॉग हम लाते रहेंगे आप बहन भाई की सपोर्ट की वजह से, तो इसी तरह हमारे साथ रहना आपने मिलजुल कर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने आपके ख़ानदान को, अपनी फैमिली को। अल्लाह हाफिज़।